4-5 मई की रात को सागर धनखड़ के साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देशवासियों को हिलाकर रख दिया। वीडियो सामने आने के बाद तो बवाल काफी बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ सागर का परिवार इस उम्मीद में बैठा है कि आज नहीं तो कल सागर को इंसाफ मिलेगा और उसके हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर जाँच की बात करें दोस्तों, तो जाँच पर कई सारे सवालात कई लोग खड़े कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जिन आधार को लेकर अब जाँच कर रही है वो हत्याकांड मामले के साथ साथ गैंगस्टर विवाद को लेकर भी जुड़ चुका है। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर कानून के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी और बहुत बड़ी चुनौती अब सुशील कुमार के सामने भी होगी। सुशील कुमार पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं, लेकिन आसानी से उन विवादों से अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन ये एक हत्याकांड का मामला है और हमने कई सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में देखे हैं कि आसानी से दोषी सामने ही होता है, लेकिन उसको सजा भी सुनाई जाती है, लेकिन बाद में जमानत याचिका और बेल देकर आसानी से छूट जाता है। लेकिन क्या सुशील कुमार भी कुछ ऐसा ही करेंगे, ये तो आने वाला समय ही गवाही देगा। लेकिन सजा क्या मिलेगी, क्या सचमुच उम्र कैद या फांसी मिलेगी, क्योंकि अब सारे सबूत मौजूद हैं, वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें सुशील डंडा मारते नजर आ रहे हैं। अब इन सब के आधार पर क्या सजा सुनाती है, क्या सुशील कुमार को ही हत्यारा दोषी करार कर दिया जाएगा, सागर को इंसाफ कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ही यही दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुशील कुमार का यही कहना है कि उसने सागर की जान कोई इरादे से नहीं ली, बल्कि पीट पीटने का सिर्फ मामला था और उसको सिर्फ डराना धमकाना चाहता था, जान लेने का मकसद नहीं था। इन सब मामलों को सुनने के बाद कोर्ट क्या सजा सुनाती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सागर को इंसाफ क्या सचमुच उसके हत्यारों को फांसी या उम्र कैद की सजा के बाद ही मिलेगी, या सिर्फ कोई सजा ही उसके लिए काफ़ी होगी, ये तो आने वाला समय पर ही निर्भर रहेगा। लेकिन दोस्तों बहुत कठिन चुनौती है कोर्ट के सामने, कानून के सामने, कि कैसे इस मामले में सजा को सुनाया जाता है, किन किन लोगों के खिलाफ सुनाया जाएगा, क्योंकि उस समय 10 से प्लस लोग मौजूद थे जिनमें से 9 लोगों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुशील कुमार समेत तो उनके साथी जेल की सलाखों के पीछे हैं, पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन आपके अनुसार दोस्तों क्या सजा होनी चाहिए इन दोषियों की, क्योंकि क्या किसी को खुद ही सजा देना और अपने कानून हाथ में लेना क्या कोई एक असली कह सकते हैं कि मकसद था? क्योंकि जिस रात सागर के साथ ये कुछ भी हुआ, सागर के पिता ने अगले दिन बयान जारी कर दिया कि अगर सागर ने कोई गलती की थी तो उसको कानून देखती, ये लोग कौन होते हैं उसको सजा देने वाले? लेकिन यहाँ पर सारा मामला सजा का ही, 6 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हुई थी, लग रहा था कि 6 दिन बाद ही कोई फैसला आ जाएगा, लेकिन 4 दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की गई, अब वो मिल चुकी है और वही जांच चल रही है। अब देखना दिलचस्प है कि कैसे आगे आने वाले समय में जब ये 4 दिन भी खत्म होंगे तो पुलिस कोर्ट में जब सुशील कुमार को पेश करेगी तो कोर्ट क्या सजा सुनाएगी, या फिर अतिरिक्त रिमांड बढ़ा दी जाएगी या मकोका उन पर लगा दिया जाएगा। यही सारी खबरें हैं दोस्तों नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।